नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अंतर जनपदीय गांजा तस्कर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 22 किलो गांजा, अनुमानित कीमत 4,40,000 के साथ असलहा बरामद। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कलवारी शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कप्तान गंज ब्रिजेश सिंह व स्वाट टीम प्रभारी विनोद कुमार यादव मई पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11/6/2021 को बस्ती लखनऊ हाईवे स्थित गढ़ा मौतम अंडरपास के पास से 22 किलोग्राम अवैध गांजा व एक अदद असलहा, 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस, 12 बोर, एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ को माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया। महिला से मिलने के लिए गए युवक को घर वालों ने बंधक बनाकर पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। चौबिया इलाके के गोपालपुर अगुपुर गांव की घटना। मरने वाले की पहचान अनिल कुमार यादव 40 नगला बीरे थाना कुर्रा जिला मैनपुरी के रूप में हुई है। रात 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। मौत के घाट उतारे जाने के बाद सबूत नष्ट करने के इरादे से शव को जलाने की थी तैयारी, लेकिन जला नहीं पाए शव। सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे आरोपी घरों को बंद कर हुए फरार। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।